आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्च पनीर और प्याज की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और लगभग 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। 10 मिनट में कोई भी सब्जी इतनी जल्दी नहीं तैयार होती है, लेकिन ये 10 मिनट में ही बनकर तैयार होती है और बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही आसान है। आप जब भी चाहे इसे फटाफट से बना के खा सकते हैं और साथ ही ये सब्जी इतनी अच्छी लगती है कि बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। और बिल्कुल हम यहाँ पर इंडियन स्टाइल में ही ये सब्ज़ी बनाने वाले हैं, चाइनीज़ टच बिल्कुल भी नहीं देंगे इस सब्ज़ी में। बिल्कुल ही हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल इंडियन स्टाइल में हम ये सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, शिमला मिर्च और प्याज। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है। एक लाइक से बहुत ही उत्साह बढ़ता है हमारा, जिससे कि हम और भी नए तरीके से इजी वे में रेसिपी लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको पसंद नहीं आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो एक लाइक तो बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दही लिए हैं और यहाँ पर 3 चम्मच मैंने बेसन लिए हैं, और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ 1 चम्मच ले रही हूँ, 1 चम्मच धनिया का पाउडर जो रहता ही है, और साथ ही मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। और इसके साथ यदि आपको पसंद हो तो आप इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही के साथ ये मिक्स हो जाएगा, आपको अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं दही के साथ ही ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसके बाद हमें स्क्वायर शेप में पनीर काट के रखना है, शिमला मिर्च भी उसी तरह से काटना है और प्याज को भी हमें स्क्वायर शेप में काटना है, या फिर यदि आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से आप काट के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में काटी हूँ, तो मैं यहाँ पे पनीर को डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर अभी आपको नमक नहीं डालना है, क्योंकि नमक डालने से पानी सब्जियों से थोड़ा पानी निकल आएगा तो फिर ये गीला हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं होगा बनाने में। तो मैं यहाँ पर शिमला मिर्च और पनीर को भी ऐड कर दे रही हूँ, प्याज भी डाल देती हूँ। और अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, बस एक स्पून लेना है और आपको ये सब्जी है पनीर है जिस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, ताकि पनीर जो है, शिमला मिर्च प्याज जो है वो पूरा बेसन और दही को अच्छे से लपेट ले। तो बेसन अच्छे से लपेट लेना चाहिए, ऐसा आपको मिलाना है बिल्कुल। लगभग 1 मिनट तक आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि बेसन दही अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे साइड में रखेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके साथ हमें यहाँ पे थोड़ा हल्दी का पाउडर यूज़ करना है। हल्दी का पाउडर मैं डालना भूल गई थी, तो अभी मैं यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देती हूँ और फिर इसे हमें मिक्स करके रख लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हमें कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर पैन को गर्म करना है। तो हमें हाई फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखना है। ये तैयार हो गया है, अब हम कढ़ाई को गर्म करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा धुआं आना शुरू हो गया है, तो जैसे धुआं आना शुरू हो जाए तो आपको इन सब्जियों को कढ़ाई में डालना है और फ्लेम को हाई रखना है, नहीं तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। तो हाई रखना है और इसे ज़्यादा नहीं, बल 1 मिनट से 2 मिनट, हमें 1 या 2 मिनट तक हमें इसे पकाना है। फ्लेम अगर हाई है तो 1 मिनट में हो जाता है, यदि थोड़ा सा लो हो गया है तो 2 मिनट लगेगा। बस इसे हमें हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो बस इसे हमें थोड़ी देर पका लेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट हम यहाँ पे पका लेते हैं। टाइमिंग का आप फ्लेम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो इसके बाद हमें कढ़ाई को इसी तरह से, जब ये अच्छे से भुन जाए तो हमें इसे कढ़ाई को ऐसे ही रखना है। आप देख सकते हैं हल्का सा बेसन थोड़ा सा चिपक गया है, बस हमें इसे क्या करना है, फ्लेम को बंद करके इसी तरह छोड़ देना है। अब हम यहाँ पर इसको कुछ नहीं करेंगे, दूसरा कढ़ाई लेंगे या दूसरा पैन लेंगे, उसमें हम बाकी सारे मसालों को पकाएंगे।
तो ये तो आपका तैयार हो चुका है। इसे हमें फ्लेम बंद करके साइड रखना है और हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल के तेल को गर्म करेंगे और इसमें छोटे छोटे दालचीनी का टुकड़ा हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें आप चाहे तो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले दालचीनी के साथ साथ बड़ी इलायची का भी यूज़ करते हैं। और इसमें मैं 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच और इसके साथ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसके साथ जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे। और 1/2 चम्मच हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है इसलिए उसी क्वांटिटी में हम इधर थोड़ा कम कम करके डालेंगे। और इसके साथ हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हम इसमें डालेंगे और ये सब डालकर पका लेंगे। और अब हम यहाँ पर टमाटर प्यूरी, 2 टमाटर का प्यूरी बनाकर हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ आप चाहे तो इसमें कसूरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और बस हमें इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है। जैसे ही मसाले अच्छे से पक जाएं, थोड़ी देर हम पकाएंगे तो ये आप देखेंगे ये जो गीला गीला लग रहा है थोड़ा सूख जाएगा। तो हम थोड़ी देर इसे और पका लेंगे। उसके बाद जो हम पनीर और शिमला मिर्च को हम हल्का सा पका कर रखे हैं वो हम मसाले में ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है, मसाले सूख भी गए हैं, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम जो मसाले हम सब्जी जो रखे हैं तैयार करके, उस सब्जी को अब हमें इस मसाले में ऐड कर देना है और थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे। शिमला मिर्च प्याज आधा तो पक ही चुका है, आधा हम इधर पका लेंगे मसाले के साथ। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगा। जो भी आप इसके साथ खाते हैं, रोटी पराठा या चावल के साथ भी आप इसे, दाल चावल के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने पानी ऐड करके इसे और पकाना है। मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी पानी ऐड किया है और बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए ढक ढक के पकाएंगे। और यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे ताकि नमक के साथ सब्जी पनीर जो है अच्छे से पक जाए। तो अब हमें बस इसे ढककर थोड़ी देर और लगभग 3 से 4 मिनट। आपको यदि सब्जी सूखा पसंद है तो आप इसको बिल्कुल लो करके थोड़ी देर पका सकते हैं। यदि थोड़ा ग्रेवी बनाना है तो 1 कटोरी पानी और ऐड कर दीजिए और इसके साथ आप थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके 1 मिनट तक और पका लीजिए। और बहुत ही टेस्टी सब्जी आपका तैयार है। बस इसे थोड़ी देर और पका लीजिए और आप देख सकते हैं इसे रोटी पराठे के साथ कैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी, या इसे दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सभी को पसंद आएगा, बच्चों को लेकर जो भी परेशानी होती है बच्चे भी इसको पसंद से खाएंगे। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।